जी श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री कम होने लगती है, जिसके चलते आप परेशान भी होते हैं, टेंशन भी होती है, आपको हानि का सामना भी करना पड़ता है और दिमाग में एक उथल पुथल चलती है कि ऐसे बिजनेस यदि हमारा ठप होता जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्या करें, अब कहीं जाके नौकरी करने लगें या कोई दूसरा बिजनेस करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, 101% आपकी बिक्री बढ़ा देगा। ये शावर मंत्र है बिक्री बढ़ाने के लिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र। आप इस उपाय को अवश्य एक बार आजमा के देखें। इस प्रयोग को आपको केवल 3 रविवार करना होगा, रविवार के दिन ही करना है। रविवार के दिन दुकान खोलने से पहले आप अपनी मुट्ठी में साबुत काले उड़द ले लें। आपको साबुत काले उड़द लेकर इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए अपनी मुट्ठी पर फूंक मारे, उड़द की दाल जिसमें उड़द रखा हुआ है, खड़ा उड़द, और अपनी दुकान को खोलकर चारों ओर बिखेर दें। मंत्र बोलने जा रही हूँ मैं, ध्यान से सुने आप। भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर की सो खाली नहीं जाए। मैं फिर से एक बार मंत्र बोलने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है, भवर वीर तू चेला मेरा, उठ खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर की सो खाली नहीं जाए। आप इस उपाय को अपनी पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ करें। इस प्रयोग को शुरू करने के 11 दिन बाद आपको इसके असर को दिखने लगेगा आपको, और आपकी दुकान में ग्राहक की वृद्धि धीरे धीरे होने लगेगी। आप इतना ही नहीं, ये मंत्र एक और काम में आता है। आपको कोई जीवन में परेशानी है और कोई समस्या है तो आप सुबह जब उठते हैं आप अपना कान पकड़ें, उल्टा कान। आप महिला हैं तो आपको अपना उल्टा कान पकड़ना है, यदि आप पुरुष हैं तो सीधा कान अपने उंगलियों से पकड़ें और फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो 11 बार कर लें, चाहें तो 21 बार कर लें, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। उस समस्या को जब करने के बाद उस समस्या को मनी मन बोल दें, आपकी वह समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि इसमें सो दी गई हुई है, सौगंध दी गई हुई है। जब आप अपनी सौगंध देते हैं तो वह कार्य पूरा आपका होता है। यह एक सावर मंत्र है और यह कभी भी अचूक नहीं जाता। कर देखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।